हाँ जी दोस्तों, इसे पहचानते हैं आप? कैसे पहचानेंगे? इसकी शक्ल जो बदल चुकी है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि शराब की बोतल कहाँ गई, यही है वो। आप लोगों की गंदगी को मेरी मम्मा ने सुंदर बना दिया है। आप पे सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं ना, तो ये लीजिए मनी प्लांट और इसको अपने ढाबे के अंदर रख लीजिए, बहुत पैसे आएंगे। लेकिन दोबारा ऐसी घटिया हरकत हमारे साथ मत करना। चैलेंज किया था ना आपने, वो ईमानदारी से लड़े। हमारी ईमानदारी पे शक मत करना काके, ना गलत किया है ना गलत करेंगे। हाँ, फ्राइडे वाले दिन किसी और के रेस्टोरेंट में शराब की बोतलें रखवाना बहुत अच्छा काम है ना। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से आपने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, और ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा। बताओ, पित्ते भर का छोकरा, गजवर की जवान, हिम्मत तो देखो इसकी। आपके ढाबे पे आके आपकी बेइज्जती करके चला गया। ओ पाजी, आप ही चुप ना बैठो, जवाब दो इसका। मुझे ऐसे नहीं लड़ना, हमारा खाना ही काफी है। बेइज्जती का जवाब बेइज्जती। मतलब? तो मतलब मैं समझाता हूँ पाजी, इधर आओ। कहाँ गए थे? बोलो। कहीं नहीं, ऐसे ही। कहीं नहीं, सरदार जी के ढाबे पे गए थे ना। बोलो क्या करने गए थे? लड़ने, मारा मारी करने, धमकी देने? नहीं मम्मा, बस ये बताने गया था कि उनकी घटिया पहने का हम भी जवाब दे सकते हैं। रुको, तुम क्यों गए वहाँ पे? पापा और मैंने मना किया था ना तुम्हें। मम्मा मेरे पास सबूत है, आप रुकिए मैं लाता हूँ। ये देखिए, आपको नहीं लगता कि अब हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए? लक्ष, ये कोई ठोस सबूत नहीं। सीधा कहिए पापा कि आपको कंप्लेंट करनी ही नहीं है। देखो क्यों तुम पीछे पड़ गए हो, सबके जाने दो ना इस बात को। कैसे जाने दूं मम्मा, आप जाने दीजिए पर मैं नहीं जाने दे सकता। अच्छा, क्या करोगे तुम लक्ष? जोश में आके कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जिससे कि बात और बढ़ेगी, समझे तुम? देखो पापा ने कहा ना, इस बात को यही खत्म करो तो खत्म करो ना, अपने काम पे ध्यान दो। लक्ष, और मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में हेल्प करने की परमिशन इसीलिए दी थी ना, इसी शर्त पे कि तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल भी सफर नहीं करेगी। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और मुझे अपने फैसले पे दोबारा सोचने के लिए ना मजबूर मत करो। अक्षर, आपको क्या लगता है उसका शक सही? हाँ, हो सकता है। नहीं देखा, मैं बहुत ध्यान रखना होगा उन ढाबे वाले सरदार जी का, नहीं अपने बेटे का। पता नहीं क्या गर्मा गर्मी में वहां चला गया, क्या भूल के आया। नैतिक ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही, लेकिन अभी उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, बहुत गुस्से में। थोड़े टाइम बाद बात करते हैं, जब शांत हो जाएगा सुबह बात करता हूँ मैं। ठीक है, बैठे रहने दीजिए उसे, मैं भी चलती हूँ, मुझे रास्ते में कुछ काम है। हाँ अक्षर, हम लोग भी जल्दी आते हैं। अक्षर रुकिए एक मिनट। Thank you and I love you. I love you too. और thank you किस लिए? कृष्णा की हिफाजत के लिए। मैं चलती हूँ। इस बार तो मैं ही जीतूंगी। अच्छा, देखते हैं, खेलिए। लो, एक और शिकार। क्या कर रही हैं आप, ठीक से खेलिए ना। जी हो गया, ओवर ओवर, गेम ओवर हो गई है, बस हो गया अब। क्या ऐसे कैसे? हाँ हाँ माँ, बस हो गया, शॉर्ट स्कोर बताइए ना। माँ ने सब गेम लव पे हारे हैं। माँ, इस गेम में जीरो को लव कहते हैं और स्टार्टिंग में सब होता है लव ऑल, पर आपकी तो गेम भी उसी पे खत्म हुई है। वो इसलिए शौर्य बेटा क्योंकि आपकी माँ सबसे बहुत प्रेम करती है। जाने दीजिए, एक गेम और खेलते हैं फिर देखिए आप। हाँ चलिए चलिए, देखते हैं। नहीं भाभी प्लीज, बस और नहीं, सच्ची सर में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं देवर जी, बस बस दो मिनट हाँ, शुरू कीजिए। हाँ हाँ उम्मीद, एक गेम और बस। बिल्कुल नहीं, हे भगवान, अरे बहुत हो गया ये तुम्हारा खेल, सिर पे हथौड़े बज रहे हैं। सुनिए, रात को फिर खेलेंगे।
बड़ी मेहनत से बनाया नक्श, और चीनी की जगह ना प्यार डाला मैंने इसमें। जल्दी पी लो। नो थैंक्स, नहीं चाहिए। नो थैंक्स, नहीं चाहिए। क्या है पापा? क्या है पापा? आप प्लीज जाइए यहाँ से। आप प्लीज जाइए यहाँ से। यू नॉट अ किड। यू नॉट अ किड। अब पी रहा हूं ना, अब तो जाइए। नक्श, तुम तो अचानक से बड़े हो गए। अरे तुम्हारी मूंछ कैसे आ गई? देखा कमाल मेरी कॉफी का। ओहो, कोई है यहाँ पे? तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठोगे, मैं हैंडल करता हूँ। पर पापा। नक्श, मैंने कहा ना रेस्टोरेंट में बहुत लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई तमाशा हो। इनकी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आने की? प्लीज थ्रो देम आउट। देख रहे हो पाजी, कैसे घूर घूर के देख रहा आपको। नक्श, तुम पढ़ाई करो, मैं देखता हूँ ना। जी सरदार जी। ओ जी, आज कस्टमर इतने थे हमारे यहाँ पर कि हमारे खुद के लिए खाना नहीं बचा। इन मुंडों ने तो कहा था बना लो, पर मैंने कहा नहीं काके, हमारे लागे ही रेस्टोरेंट है, चलो चल के आज उनके यहाँ खाना खाकर देख लेते हैं। तो क्यों जी, सही किया ना मैंने? जी बिल्कुल सही किया आपने, आइए बैठिए। ओ पाजी, स्पेशल गेस्ट हैं आपके, हम तो सोच रहे थे आपका बेटा या आप खातिरदारी करोगे। वो पढ़ रहा है, मैं हूं ना, आप बताइए क्या खाएंगे, देखिए मेन्यू। इसमें तो कुछ है ही नहीं खास। ओ भौजी, चलो आप ही बता दो क्या स्पेशल है आपके ढाबे का। ओ पाजी, ये बताएंगे तो कौन सा हमें समझ आ जाएगा, यहाँ तो रंग संगे लिखा है। ओ जी, आजकल सबका ऐसा ही हाल है, नाम अजीब रखते हैं, खाना चाहे जैसा भी हो। उस दिन नहीं देखा था, नाम था बाबा खनोज और निकला क्या बैगन। नहीं पसंद है तो जाइए ना, बोला किसने यहाँ बैठने को। नक्श, तुम पढ़ाई करो अपनी। ओ काके, और तू पढ़ाई कर अभी। ओ क्यों इसके ऊपर अभी से इतनी जिम्मेदारी डाल दी आपने? एक तो उसकी उम्र कम, ऊपर से खून भी गर्म, कहीं किसी दिन कुछ करना है बैठे। नक्श, कोल्ड स्टोरेज गो। आप अपना ऑर्डर बताइए प्लीज। जो आपके होटल में अच्छी डिश है वो लाइए। अब भाई साहब के रेस्टोरेंट की भी थोड़ी आमदनी हो जाएगी, अब पड़ोसी पड़ोसी के काम आएगा ना, है नी? ओए काके, बढ़िया, ये दो लेके आ। गायु दीदी, आपके लिए मैंने तोड़ा था ना, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद बनाऊंगी। होप यू लाइक इट। नहीं पसंद आया, बट मुझे ऐसे ही आता है। नो प्रॉब्लम, मैं फिर से ट्राई करूंगी। एंड होप यू लाइक इट दैट टाइम, ओके? नायरा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। लाइक इट? नो, ये थोड़ा सा सिंपल है। Actually love it. Thank you so much. और मुझे कोई कुछ नहीं रहेगा। मिष्टी वो क्या है, हम बिजी थे। वो actually ना मिष्टी, वो क्या है ना, ये ना आपका gift. Like that? No. Love it. अरे अक्षरा, नैतिक और नक्श है? वो लोग अभी रेस्टोरेंट में ही हैं, अब तक निकल गए होंगे, मुझे थोड़ा काम था इसलिए जल्दी आ गए। बहू एक बात कहूं, जब से लल्ला ने वो बात छेड़ी है ना, तब से मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। कौन सी बात भाभी माँ? यही कि रश्मि और गायु के जीवन में खालीपन तो है ही, पर भाभी माँ, छोटी माँ, मैंने कुछ सोचा है, मुझे अम्मा
मुझे भूख लगी है। हाँ मामी मुझे भी। यस मम्मा, आप हमारे लिए चॉकलेट शेक बनाओ ना प्लीज। मैं बनाती हूँ। वो कितनी देर लगेगी ऑर्डर लाने में? कब से खाना ऑर्डर किया है? मैं देखता हूँ। केशव जी सर, कितना टाइम लगेगा? बस सर 10-15 मिनट और। सर एक्चुअली उन्होंने ऑर्डर ही ऐसा दिया है जो जल्दी हो ही नहीं सकता। सर एक तो इतनी सारी डिशेस हैं और दूसरी वो सब जिनका कुकिंग टाइम 10 से 15 मिनट है सर। केशव लेकिन जितना जल्दी हो सके इनका ऑर्डर ले आओ ना, और जो भी चीज़ रेडी है पहले वो दे दो इन्हें। सर वैसे भी इन्हें 10 ही मिनट हुए हैं ऑर्डर दिए, और ये लोग ऐसे ही शोर मचा रहे हैं सर। मैं समझता हूँ केशव, लेकिन रेस्टोरेंट में काफ़ी कस्टमर्स भी हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा हो। जी सर मैं करवाता हूँ सर। सर ऑर्डर आ गया सर। लो जी देख लो, कहा था ना मैंने नाम बड़े और दर्शन छोटे। ओ जो भी है खा लो यार। ओए पाजी ये भी कोई खाना है? ऐसे लग रहा है सब्जी को उबाल के कचुंबर बनाया गया है। ओए अब समझ में आया इनका ढाबा क्यों नहीं चल रहा है। पाजी जरा बुलाओ तो उनको। ओ बहू जी सिंगानिया साहब जरा यहाँ आइए। जी वो देखो जी, मैं अपने ढाबे की तारीफ नहीं कर रहा हूँ और आपके इस ढाबे की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, पर खाने में जो मजा होना चाहिए था वो है नहीं। हाँ जी अपने खान सामे को ना हमारे ढाबे पे भेज दो, 2-4 हफ्ते खाना बनाना सीख जाएगा। आप लोग पहले एटिकेट स्कूल में जाके बात करने का ढंग सीख के आइए। ओए काके तू फिर आ गया? हाँ क्योंकि आप लोगों का नाटक चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। अगर आप लोगों को यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा तो आप जा सकते हैं। नक्श तुम चुप रहो प्लीज, हम लोग बात कर रहे हैं ना। लो जी अब यही कमी रह गई थी मेहमान नवाजी में। हाँ देखो जी देखो ऐसे बात करते हैं इनके यहाँ कस्टमर से। ओए काके ग्राहक भगवान होता है। हाँ किसी ने बताया नहीं तेरे को आज तक? अपने मुंडे का गुस्सा ठंडा रखना, इसको काबू में रखें। आप अपने लोगों को काबू में रखिए क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए उठिए यहाँ से, निकलो माय रेस्टोरेंट से। तुम चुपचाप जाओ यहाँ से, जाओ। पापा मुझे नहीं इनसे कहिए जाने के लिए। ओए हम क्यों जाएंगे, खाना खाने आए हैं, पैसे दे के जाएंगे, फ्री में खाने नहीं आए जो तू हमको धक्के मार दे। हाँ जाओ गो। अभी तक आए क्यों नहीं, कितनी देर हो गई? घर वाले खाना खा के सो भी गए, इन्हीं का कोई अता पता नहीं है, किसी का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। शब इंतजार कर रही होंगी। ओ इधर आ भाई, जरा सुन, एक पिज्जा ले आ बढ़िया सा बना के और एक लाइम जूस स्वीट। हाँ सर वो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो वो भी बोल दीजिए। एक्चुअली सर हमारा क्लोजिंग टाइम हो चुका है, सॉरी सर वो लास्ट ऑर्डर था। केशव कोई बात नहीं, इनका ऑर्डर ले आओ। अच्छा जी सर। हाँ अक्षरा। नैतिक कहाँ है आप, इतनी देर क्यों लग रही है? कस्टमर्स हैं क्या बहुत? ओ काके छठ पराम। ओ बिल लिया तू? ये सरदार जी की आवाज है ना, वो वहाँ है हमारे अपने रेस्टोरेंट में। नहीं नहीं अक्षरा वो थोड़ी ना है, वो यहाँ पे क्यों आएंगे? कोई और आया है। अच्छा मैं फोन रखता हूँ क्योंकि वो लोग ना बिल मांग रहे हैं, पता लगा बिना दिए ही चले गए। वो जाए ना जाए आप आ जाइएगा टाइम से, ठीक है? हाँ हाँ ओके बाय। भाई खाने में तो मजा नहीं आया, पर कोई नहीं अब बिल तो दे के ही जाएंगे। वो क्या है ना कि हम किसी का हक नहीं रखते, और वैसे भी ये रेस्टोरेंट नया नया खुला है, अब कुछ मदद तो हमारी तरफ से भी बनती है ना। क्यों पाजी? हाँ भाई जरूर। पता नहीं पापा इनको और इनकी बकवास को बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। पर ले भाई तेरा बिल। ये टिप है भाई, लाओ मुझे दो, मैं देता हूं इनको अच्छे से।
लो जी, ये आपकी सेवा का इनाम। और संभाल के रखना, बहुत कम लोग इतना पैसा देते हैं। बस कीजिए आप लोग, बंद कीजिए अपनी बकवास। हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे पापा की इंसल्ट करने की? Next topic. अब एक शब्द भी और निकालना तो देखना आप लोग, हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को टिप देने की? सरदार जी, मेरी आपसे विनती, प्लीज यहाँ से आप लोग चले जाइए इस वक्त। मैं नहीं चाहता कि बात और बिगड़े। ओए पाजी, दो थप्पड़ मारो और मुंह बंद करो इस बदतमीज लड़के का, फिर अकल ठिकाने आएगी इसकी। ओए चलो वापिस। पापा आपने मुझे रोक क्यों लिया? हाँ खुद कुछ कहा ना, मुझे कुछ करने दिया। पता नहीं इनकी बदतमीजी कैसे बर्दाश्त कर रहे थे आप, लेकिन आपके साथ कोई कुछ गलत करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लक्ष्य, कभी कभी करना पड़ता है। उस वक्त रेस्टोरेंट में कितने सारे लोग थे, हम तमाशा नहीं कर सकते थे। पर ये बात इन लोगों ने नहीं समझी होगी पापा, आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझा होगा, लेकिन मैं उनको बता दूंगा कि आप कमजोर नहीं है, आप अकेले नहीं है, आपका बेटा है आपके साथ। थैंक यू नक्श, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए गुस्सा आ गया तुम्हें, लेकिन प्लीज अपने गुस्से पे काबू करना सीखो। वो लोग तो यही चाहते हैं कि तुम गुस्से में आओ और इसी बात का वो लोग फायदा उठाएं, लेकिन हमें उनकी चाल में नहीं आना है ना नक्श। हाँ, वो चाहे कुछ भी कहें, हम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, मजबूर होकर उनको उनको चुप तो होना ही पड़ेगा ना। रियली थिंक सो पापा, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि वो लोग चुप बैठेंगे और हमारी खामोशी को हमारा डर समझेंगे और इससे भी ज्यादा हमारे सर पर चढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा नक्श। ऐसा ही होगा पापा, आई एम टेलिंग यू। चलो, आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की, और इस मुंडे की हिम्मत तो देखो। वो हिम्मत, बदतमीजी बोलो पाजी, बदतमीजी। बहुत वो चल रहा था, वो आप कहो तो पर काट दे उसके, दो चार हड्डियां टूटेंगी ना तो अपने आप ही। ओ, ना होए ना, मार कुटाई की बातें मेरे सामने मत करो। हम गुंडे नहीं है, चैलेंज लिया है, उसे जीतना है बस, पर ऐसे गलत तरीके से नहीं। वो कुछ नया करेंगे, वो कुछ डिस्काउंट दे देंगे, कुछ ऑफर दे देंगे, जिससे कि सारे ग्राहक हमारे यहाँ आए। और क्यों भाई से नहीं? हाँ जी हाँ जी, वो हमारे पास आए ना आए, वो उसके पास ना जाए बस। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसका रेस्टोरेंट बंद हो ही जाए। क्यों भाई, आप किसका रेस्टोरेंट बंद कराने पर तुले हो? ओ किसी का नहीं, और तुसी दसो गुरुद्वारे हो आए? हाँ जी हो आई। हेलो प्रसाद, ले आओ जी। अब सच्ची सच्ची बताइए ना, किसके बारे में बातचीत चल रही थी? ओ जी कृष्णा, वो सामने वाला। किसी का बुरा करने से कभी अपना अच्छा नहीं होता। वो आप समझे नहीं परजाई जी, वो उसका चलेगा तो हमारा बंद हो जाएगा ना। वाई गुरु ने सबका इंतजाम कर रखा है, किसी का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं होता। जिसके नसीब में जितना लिखा होता है वो उसे जरूर मिलता है, फिर क्यों किसी का बुरा करना? ओ सुनियो, ये सब बिजनेस की गल्ला ने और थोड़े समझ च नहीं आनी। चलो चलिए अपना घर, और तुसी भी चलो छेती। अच्छा इतनी देर हो गई, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? इतना टाइम क्यों लगा दिया, कुछ हुआ क्या? नहीं अक्षरा, वो क्या हुआ नैतिक, किसी से कोई झगड़ा हुआ क्या, फिर से कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ नहीं है, लेकिन अक्षरा डर लग रहा है कि कहीं कुछ होना चाहे। ये चैलेंज कोई नई शक्ल लेता जा रहा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।